तो फ्रेंड्स ये है हमारा Redmi Note 5 Pro और यहाँ पर Xiaomi ने इसमें देना शुरू कर दिया है Oreo based MIUI 9.5.14 स्टेबल वर्जन वाला अपडेट। ये अपडेट जो है वो स्टार्ट हुआ था 27-28 के दिनों में, यहाँ पर अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पर इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको ये अपडेट ना मिले, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको तो इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कब आपको कंपनी OTA अपडेट देगी। यहाँ पर जो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप Xiaomi के Redmi Note 5 Pro में MIUI 9.5.14 स्टेबल Oreo बेस्ड अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। और यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है, कोई भी बूट लोडर अनलॉक होना ज़रूरी नहीं है, फ़ोन का रूट होना ज़रूरी नहीं है, कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना ज़रूरी नहीं है, या फिर आपके कोई हाई स्किल्स होना ज़रूरी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसीजर होने वाला है, तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं यार तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना इस वीडियो। मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। और फ्रेंड्स फोन को अपडेट करने के लिए आपको सिर्फ इतनी सी एक चीज़ की ज़रूरत है जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो एक zip फाइल है जिसकी स्टोरेज जो है आपको ऑक्यूपाई करेगा 1.45 GB की। ऑब्वियसली ये वो फाइल है जो कि OTA के थ्रू Xiaomi आपको सेंड करने वाला है अपडेट के लिए, तो इसे आपको डाउनलोड करने के बाद इंटरनल स्टोरेज में या फिर मेमोरी कार्ड में प्लेस करना है। और उसके बाद फिलहाल आप देख ही सकते हैं मेरा जो फोन है वो रन कर रहा है MIUI 9.2.13 स्टेबल वर्जन पर। और यहाँ पर आपको मैनुअली अपडेट करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर पर आपको तीन डॉट्स मिलेंगी, उन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है चूज अपडेट पैकेज। आपको यहाँ जाना है एक्सप्लोरर में, आपको वहाँ जाना है जहाँ आपने zip फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है, जिप फाइल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद जो आपका फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली उस पैकेज को रीड करने लगेगा, गेटिंग इन्फो यहाँ पर आएगा, उसके बाद एक्सट्रैक्शन शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो फ़ोन है वो आपसे रिबूट होने की परमिशन मांगने लगेगा। रिबूट जो है फ़ोन हो जाएगा उसके बाद कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पर रिबूटिंग में कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपका फ़ोन ब्रेक हो जाएगा ऐसा कुछ, डोंट वरी, ये फ़ोन जो है अपने आप रिबूट होने के बाद स्टार्ट भी होने लगेगा। तो बस इतनी सी बात है, उसके बाद आपको जो फ़ोन है रिबूटिंग में जाने के बाद यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, तो यहाँ पर आपको थोड़ी पेशेंस तो दिखानी होगी क्योंकि यहाँ पर फ़ोन को अपडेट कर रहे हैं तो पेशेंस रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं इस वीडियो को करने जा रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड, उसके बाद जो है आप सीधे सीधे देखेंगे फ़ोन जो है इंस्टॉल होने के बाद किस तरीके से दिखता है। और फ्रेंड ये जो फ़ोन है वो हो चुकी है फ्लैश, अब फ़ोन हो रहा है रीबूट। रीबूट होने के बाद फ़ोन जो है थोड़ा टाइम लगा क्योंकि अभी जो फ़ोन हुआ है वो अपडेट, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा यहाँ पर रीबूट होने में, तो बस यार थोड़ा और पेशेंस रखो, उसके बाद तो बस फ़ोन ऑन होने ही वाला है। देखिए यहाँ पर जो फ़ोन है वो हो चुका है रीबूट, यहाँ पर जैसा फ़ोन पहले था बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई भी आपका डेटा इससे रेज नहीं होने वाला है, सिर्फ जो फ़ोन है वो सिंपली अपग्रेड हो जाएगा Oreo बेस्ड MIUI 9.5.14 स्टेबल वर्जन पर। और यार यहाँ पर दिखाने भी ज़रूरी है कि फ़ोन जो है एक्चुअली में अपग्रेड हो चुका, तो चलते हैं सीधे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद चलते हैं अबाउट फ़ोन में, तो यहाँ पर जो है आप एंड्रॉयड वर्जन देख सकते हैं वो हो चुका है 8.1.0 OPM 1.1.7 1.0 1.9.0 1.1। और ये जो है यही है अपना Oreo का एस्टर एनिमेशन, और यहाँ पर MIUI 9.5.14 भी देखने को मिलता है। ये आ गया अपना Oreo वाला ऑक्टोबर जिससे कि आप अपना टाइम पास कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना यार डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें बिना कहीं मत जाइएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल यार दबा दीजिए उस बटन को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ यार, तो बिल्कुल यार थोड़ा ध्यान रखिए मेरा भी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।